शांति। आज की तारीख है 24/4/23 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे बच्चे अपनी दिल से पूछो कि हम ज्ञान की खुशबू फैलाने वाले खुशबूदार फूल बने हैं। सदा अपनी खुशबू फैलाते रहो। प्रश्न है, किन बच्चों की अवस्था बहुत मस्त रहती है? गैलप करने का आधार क्या है? उत्तर है, जो अच्छे अच्छे फूल हैं, जिनकी बुद्धि में ज्ञान का मंथन चलता रहता है, उनकी अवस्था बहुत मस्त रहती है। ज्ञान और योग की शिक्षा दे खुशबू फैलाने वाले बच्चे बहुत प्रफुल्लित रहते हैं। गैलप करने का आधार है सच्चे परवाने बनना। माया के तूफानों से सदा बचकर रहना है, श्री मत पर चलते रहना है। गीत बजा है, महफिल में जल उठी शमा परवानों के लिए। धारणा के लिए मुख्य सार के दो धारणा बिंदु। नंबर एक, देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। हम आत्मा भाई भाई से बात करता हूँ, आत्मा बोलती है, आत्मा इन ऑर्गन्स से सुनती है, ये अभ्यास करना है। धारणा बिंदु नंबर दो, ऊंच गति के लिए पावन निर्विकारी बनना है। जीते जी मरकर पूरा परवाना बनना है। वरदान सतगुरु बाप दादा का एक हिम्मत की विशेषता द्वारा सर्व का सहयोग प्राप्त कर आगे बढ़ने वाली विशेष आत्मा भव। जो बच्चे हिम्मत रखकर निर्भय होकर आगे बढ़ते हैं, उन्हें बाप की मदद स्वतः ही मिलती है। हिम्मत को विशेषता से सर्व का सहयोग मिल जाता है। इस ही एक विशेषता से अनेक विशेषताएं स्वतः ही आ जाती हैं। एक कदम आगे रखा तो अनेक कदम सहयोग के अधिकारी बने। इसी विशेषता का औरों को भी दान और वरदान देते रहो, अर्थात विशेषता को सेवा में लगाओ तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन है, बुद्धि से इतने हल्के रहो जो बाप अपनी पलकों पर बिठाकर साथ ले जाए। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।